ओके सो हे गाइस, वस्सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को गाइस इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। उसके बाद चले जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड ऐसे गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड गाइस, मॉडल को ऐड करने से पहले गाइस आप सभी को इसमें कुछ और काम भी करना है, ठीक है? तो मॉडल को ऐड करने के बाद अभी डन नहीं करना है आप सभी को। अब इसमें आपके थोड़े से काम रह जाते हैं, तो आप सभी को क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले तो गाइस आप सभी को अपने मॉडल को जो है कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है? एंड जैसा चाहो आप ऐसे मर्जी ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को अपने मॉडल को जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने मॉडल को लेकर चले जाना है ऐसे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है? क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग करनी है इसकी, तो उसके लिए हम ले जाएंगे ऐसे कलर्स में। एंड उसके बाद हम इसमें एडजस्ट ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में ले जाएंगे। एंड उसके बाद गाइस हम इसका जो ब्राइटनेस है इसको हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद जाएंगे रेजर टूल में, एंड इसको इन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे ब्रश को लेंगे हम गाइस, ठीक है? एंड ब्रश को लेने के बाद गाइस हम इसकी थोड़ी सी हार्डनेस ओपेसिटी कम करेंगे, साइज को बढ़ा देंगे, एंड कुछ इस टाइप से हम साइड में पेंट करेंगे, ठीक है? एंड इसके बाद हम एक इस साइड में भी पेंट कर देंगे, एंड थोड़ा सा अंडो कर देंगे यहाँ पे, हम इस साइड में पेंट कर देंगे। एंड उसके बाद थोड़ा हेयर्स वगैरह के ऊपर भी कर देंगे, ठीक है गाइस? तो फिर आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे कर लेना है, ठीक है? तो फिर उसके बाद गाइस आप सबको फिर आगे क्या करना है मैं आप सबको बताता हूँ। पहले तो यहाँ पे भी कर लेते हैं नेक के पास, एंड यहाँ पे हम डन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मर्ज कर देते हैं हम, एंड यहाँ पे डन कर देते हैं, ठीक है? तो अब क्या करना है गाइस आप सबको, अब यहाँ पे डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप सबको परफेक्ट तरीके से डन कर देना है। ओके सो अब हम डन कर देते हैं। एंड अब क्या करना है गाइस आप सबको, आप सबको चले जाने से टूल्स में, फिर यहाँ पे एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सबको जिसका ब्राइटनेस माइनस कर देना है 100, एंड इस टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश को लेना है गाइस, ठीक है? एंड उसके बाद जो है गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको मतलब ये गाइस जहाँ जहाँ पे डार्कनेस चाहिए आप सभी को सिंपली वहाँ वहाँ पर पेंट करना है। तो गाइस कैसे क्या करना है वो मैं आप सबको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पे डार्कनेस चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे पेंट कर देंगे, एंड थोड़ा सा मतलब की फोटो को जूम करके, एंड थोड़ा सा यहाँ पे हम साइज़ को बड़ा कर देंगे। एंड देखिए गाइस, जैसे कि हमें यहाँ पे डार्कनेस चाहिए तो हम यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है? एंड जो गाइस मतलब जो बाकी डार्कनेस जो होगी वो हम ना लाइट रूम ऐप में अच्छे तरीके से बिल्कुल डालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे डन करते हैं, एंड उसके बाद यहाँ से चलते हैं ऐड फोटो में। एंड यहाँ से गाइस आप सबको एक विग्नेट का पीएनजी दे दूंगा मैं, ठीक है? तो आप सबको सिंपली इसको ऐड कर लेना है, एंड इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे आप सबको अब क्या करना है, कर देना है डन, ठीक है? अब उसके बाद गाइस आप सबको अब क्या काम रह जाता है, आप सबको यहाँ पे फोटो को अपनी सेव कर लेना है, एंड इसको यहाँ पे लेके चले जाना है इसको लाइट रूम ऐप के अंदर। एंड गाइस लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको इस लाइट वाला ऑप्शन में चले जाना है। एंड इसका जो है मतलब कि गाइस थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है इसको आपको आगे की तरफ बढ़ा देना है। हाईलाइट है गाइस इसको बढ़ा देना है, एंड गाइस जो शेडो है इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो गाइस वाइट है इसको कम कर देना है, ठीक है? एंड इसका जो ब्लैक है गाइस इसको भी थोड़ा कम कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद चले जाना है गाइस आप सबको सिलेक्टिव टूल में, एंड उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, एंड थर्ड वाले ऑप्शन को ले लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको कुछ इस टाइप से प्रेस करते हुए साइड से ऐसे लेकर आना है, एंड उसके बाद इसका यहाँ पे एक्सपोजर को जो है आपको कम कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे इतना कर देने के बाद जो है मतलब कि यहाँ पे दोबारा से इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है? तो इस पर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, एंड प्लस पे क्लिक करने के बाद थर्ड वाले ऑप्शन को लेंगे, एंड सेम नीचे की तरफ से ऐसे ले आएंगे, एंड इसका एक्सपोजर भी यहाँ पे हम कम कर देंगे, ठीक है? तो आप सभी को भी ऐसे करना है, एंड यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है गाइस? तो इससे काफ़ी मतलब कि इफेक्ट पड़ता है। तो आप चलते हैं कलर्स वाले ऑप्शन में, एंड उसके बाद हम ऐसे जो मतलब इसकी वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे, एंड उसका जाएंगे कलर मिक्स में और कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन जो माइनस कर देंगे, एंड इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, एंड जाएंगे ये ब्लू कलर में इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ठीक है? एंड इसको यहाँ पे डन कर देंगे, एंड इसको जाएंगे यहाँ से हम गाइस नीचे वाले टूल में फोटो की जो गाइस क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देंगे, एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे हमें ग्रेन अमाउंट मिल जाएगा हम उसको ही बढ़ा देंगे। एंड इसको चले जाएंगे नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस हम इसको इंक्रीज कर देंगे, एंड गाइस जो नोट रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे, एंड गाइस जो कलर नोट रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।